हेलो। तो आज हम शुरू करेंगे अपने क्लास 10th की नई सीरीज़ के साथ में, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जीवन के बारे में। जीवन यानी कि लाइफ और लाइफ की प्रोसेसेस के बारे में। आप क्या समझते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदा हैं? जो चल रही होती हैं वो ज़िंदा है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो चल रही हैं लेकिन ज़िंदा नहीं है। पर अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर कहीं भी किसी चीज़ का हो रहा है तो वो चीज़ ज़िंदा मानी जाती है। वायरसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो किसी की बॉडी के बाहर ज़िंदा नहीं होते हैं और किसी की बॉडी के अंदर ज़िंदा होते हैं? तो वायरस को लेकर के कॉन्ट्रोवर्सी है कि ये आखिरकार ज़िंदा है कि ज़िंदा नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक डाउन ओवर टाइम बिकॉज एवरी सेल हैज़ अ लाइफ स्पैन। हर एक सेल का अपना एक लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद वो काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए हमें चाहिए क्या, एक सिस्टम चाहिए जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिपेयर कर सके और अपने आप को मेंटेन कर सके। और यही मेंटेनेंस जो होती है वो लाइफ प्रोसेसेस की वजह से होती है। तो ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? आप लोग कहेंगे ज़िंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है, लेकिन नहीं, ज़िंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं, ये चार प्रोसेसेस ज़रूरी हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। हर ऑर्गेनिज्म को बाहर से कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, और जिसको खाया है उसको हमें अपनी बॉडी में तोड़ करके उससे एनर्जी निकालनी है, और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और जो बचा कुचा है, जो वेस्ट है, उसको हमें बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है। तो ज़िंदा रहने के लिए हमें ये चार चीज़ों की ज़रूरत है जिनको हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है कि एनर्जी जो भी कोई एक ऑर्गेनिज्म डिराइव कर रहा है वो कहीं ना कहीं कोई मॉलिक्यूल बाहर से लेकर के डिराइव कर रहा है, और वो होता है खाना। खाना जो होता है वो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें खाने से एनर्जी मिलती है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे हमें खाना मिलता है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं। इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इनमें कार्बन होता है जिनके बॉन्ड्स को तोड़ तोड़ करके हम उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो न्यूट्रिशन के हिसाब से दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आपके घर में आपकी मम्मी क्या ऑटोट्रॉपिक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कहेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म्स में पाया जाता है जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से। वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करें, उन्हें हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस के लिए एक इस ये जो प्रोसेस होती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खाना बनाने की, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट में फोटोसिंथेसिस इस तरीके से होती है: 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में एक ऑर्गेनिक मैटर C6H12O6, जैसे ग्लूकोज भी कहते हैं, वो बनाता है, और 6 ऑक्सीजन निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कोई एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बाहर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कोई एक मटेरियल बना करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जैसा कि हमने पहले देखा अपनी एक रिएक्शन में। तो ये जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस तो कई तरीके के ऑर्गेनिज्म करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया भी करता है और प्लांट भी करता है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा कि ऊपर जो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो जनरल डेफिनेशन है, और प्लांट के टर्म में बोलेंगे तो फोटोसिंथेसिस की दूसरी डेफिनेशन है। क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे कि चेंज होते रहते हैं। पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए है, जबकि कई बैक्टीरिया को दूसरे मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट
जो होते हैं वो पेड़ों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट पेड़ ने बना लिया है फोटोसिंथेसिस की मदद से, वो कार्बोहाइड्रेट अब पेड़ को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है एक सब्सटेंस प्लांट में पाया जाता है पत्तियों में, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियाँ ग्रीन दिखाई देती हैं। और फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन पेड़ रिलीज़ कर रहा है, वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आया है। जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं कि पेड़ CO2 लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, तो पेड़ CO2 को ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट करता है, बल्कि पानी को तोड़ करके वो ऑक्सीजन बनाता है। CO2 तो पूरी की पूरी इस्तेमाल हो जाती है कार्बोहाइड्रेट बनाने में। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है जो पेड़ रिलीज़ करता है। पेड़ जो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है वो पानी से आती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो कार्बोहाइड्रेट में पूरी की पूरी बदल जाती है। डेजर्ट प्लांट में एक अनोखी बात हमें देखने को मिलती है। डेजर्ट प्लांट में गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है वहाँ पर, तो दिन में पेड़ अपने स्टोमेटा नहीं खोल सकता। स्टोमेटा छोटे 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 छेद होते हैं, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर दिन में किसी डेजर्ट के प्लांट ने अपने स्टोमेटा खोल दिया तो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और डेजर्ट में केवल एक ही चीज़ की कमी है जिसको कहते हैं पानी। तो ऐसे पेड़ करते क्या हैं, रात में कार्बन अपना स्टोमेटा खोल करके कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और दिन में स्टोमेटा बंद करके, दरवाज़ा बंद करके बढ़िया खाना बनाते रहते हैं, और पानी का लॉस भी नहीं होता है। तो ये पानी का लॉस ऐसे बचा लेते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं स्टोमेटा खोल के, और दिन के समय में खाना बनाते हैं। स्टोमेटा की बात हो रही है तो आइए जानते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा क्या है, छोटी छोटी ओपनिंग। आप अगर ऐसे भी कोई पत्ती तोड़ेंगे और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो उसमें पत्ती में आपको बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि पत्ती में बहुत छोटे छोटे से छेद हैं। ये ज़्यादातर आप नीचे वाली सरफेस पे, किसी भी पत्ती के नीचे वाली सरफेस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप देखने को मिल सकता है, क्योंकि पत्तियाँ जो होती किसी किसी में ऊपर ज़्यादा होते हैं लेकिन नीचे सारी पत्तियों में पाए जाते हैं। तो किसी पत्ती में नीचे के साइड आप देखेगा स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है, आपको नेकेड आइज से भी दिख जाएगा। ये छोटी ओपनिंग जो होती हैं ये गैसियस एक्सचेंज करती हैं एटमॉस्फेयर से, जैसे कि CO2 को बाहर करना, ऑक्सीजन को लेना, या ऑक्सीजन को बाहर करना और CO2 को लेना, ये सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। स्टोमेटा बंद कर दिए जाते हैं जब पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है, क्योंकि स्टोमेटा जितनी देर खुलेगा उतनी देर उन स्टोमेटा से पानी भी इवेपोरेट होता रहेगा। अच्छा, स्टोमेटा के खुलने की वजह से पेड़ों के नीचे अक्सर कर हमें ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। तो वो ठंडा ठंडा सा क्या है, पानी का एवेपोरेशन हो रहा है तभी वहाँ पे हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग जो होती है वो दो सेल्स से गार्ड करी जाती है, जिन्हें हम गार्ड सेल बोलते हैं। इन्हीं गार्ड सेल्स में जब पानी भर जाता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, और इन्हीं गार्ड सेल में जब पानी निकल जाता है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अब ये आप यहाँ पर ये फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टोमेटा का ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर आप जो छोटे छोटे से ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं यही क्लोरोफिल हैं, और ये जो दो सेल्स देख रहे हैं इनको गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल में आप अंदर वैक्यूल देख रहे होंगे, इसी वैक्यूल में जो है पानी भर जाता है तो ये स्टोमेटा खुल जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और इन्हीं में से जब पानी निकल जाता है तो ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि पानी, अच्छा ये तो बात हो गई पेड़ जो अपने में बना रहा है, और दूसरे न्यूट्रिएंट जैसे कि पानी और मिनरल जो होते हैं उनकी नीड वो सॉइल से पूरी करता है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो भी ज़रूरी होते हैं। दूसरे न्यूट्रिएंट भी ज़रूरी हैं, केवल अपना ही खाना बना करके पेड़ का काम नहीं चलेगा, और भी न्यूट्रिएंट उसे लेने पड़ेंगे, तो वो सॉइल से लेता है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन, जिससे मैक्सिमम प्रोटीन बनाई जाती है, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो इसीलिए कहते हैं कि किसानों के जो मित्र होते हैं वो कुछ एक बैक्टीरिया भी होते हैं जो उनके खेत में पाए जाते हैं। अगर आप किसी भी एक खेत में बहुत सारा ऐसा पेस्टिसाइड स्प्रे कर दें जिससे आपके बैक्टीरिया भी मर गए हैं, तो आपकी फसल कुछ खास नहीं होगी। तो
अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ये ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले रहा है, खुद अपना खाना नहीं बना रहा है। जैसे कि हम लोग अपना खाना पेड़ों से ले रहे हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि वहाँ पर फूड कैसा अवेलेबल है। जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पत्तियाँ हैं खाने के लिए, वहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म पेड़ पत्तियाँ खाते हैं। जहाँ पर फूड पेड़ पत्तियाँ कम है, तो वहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खाएगा। कुछ ऑर्गेनिज्म खाने को बाहर तोड़ करके फिर एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि फंगाई, और कुछ ऑर्गेनिज्म अब खाना खा करके उसको अपनी बॉडी के अंदर तोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग। कुछ ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को मार करके लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म पर रह करके उन्हें मारते नहीं हैं बल्कि उनके ऊपर रह करके ही अपना न्यूट्रिशन डराइव करते रहते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हमारी बॉडी के ऊपर ही रहते रहते हैं और हमसे अपना न्यूट्रिशन डराइव करते रहते हैं। प्लांट पैरासाइट जो होता है वो कसकुटा है या अमरबेल है, और एनिमल पैरासाइट जैसे कि जुएँ, टेप वर्म, लीच, ये सारी चीज़ें। अब न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे कि इंसेक्ट, रैबिट और ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेम नहीं होगा। इंसेक्ट में दूसरे तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रैबिट में दूसरे तरीके का, ह्यूमन में दूसरे तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। सिंपल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एमीबा और पैरामीशियम, उसमें केवल एक छोटी सी चीज़ फूड वैक्यूल होती है जो उसके डाइजेशन में मदद करती है, किसी एक उसके डाइजेशन में मदद करती है। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट स्पेशलाइज हो जाते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। जैसे एक पार्ट खाने को पचाएगा, तो दूसरा पार्ट खाने को एब्जॉर्ब करेगा, तो अगला पार्ट खाने को स्टोर करेगा निकालने के लिए। अभी हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके का है। तो यहाँ पर आप एक सिंपल ऑर्गेनिज्म एमीबा को देख सकते हैं, जहाँ पर एक फूड पार्टिकल दिखाया गया है। एमीबा उस फूड पार्टिकल के अराउंड सूडोपोडिया बना देता है, उसको इनगल्फ कर लेता है और वो फूड वैक्यूल बन जाता है वहाँ पर। और फूड वैक्यूल में खाना डाइजेस्ट करने के बाद एमीबा उसे अपनी बॉडी से थ्रो आउट कर देता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है एमीबा में फूड के डाइजेशन की, कि फूड वैक्यूल। तो एमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड वैक्यूल ही है, एमीबा में जो डाइजेस्ट कर रहा है।